खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। जनपद में भारी संख्या में आ रहे प्रवासी श्रमिकों की दृष्टिगत जिलाधिकारी पुलकित खरे ने बिलग्राम चुंगी पर नवनिर्मित राजकीय कृषि महाविद्यालय को क्वारंटीन सेंटर बनाने के संबंध में की जा रही तैयारियों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद हरदोई रविशंकर शुक्ला को निर्देश दिए कि महाविद्यालय परिसर की झाड़ियों को साफ कराने के साथ कमरों एवं शौचालय में विशेष सफाई कराए तथा क्वारंटीन सेंटर के लिए 24 घंटे के लिए बारी बारी से सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी लगाए। जिलाधिकारी ने नगर मजिस्ट्रेट जंग बहादुर यादव, उप जिलाधिकारी सदर राकेश कुमार गुप्ता एवं तहसीलदार सदर को निर्देश दिए कि प्रवासी श्रमिकों को ठहरने के लिए गद्दे, पेयजल, खाने के आदि की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें और क्वारंटीन सेंटर पर कानून को लेखपाल, चिकित्सक आदि कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या में पालीवार ड्यूटी लगाए तथा क्वारंटीन सेंटर की भी सभी व्यवस्था समय में पूर्ण कर ले। जिलाधिकारी ने राम बेटी देव नारायण वाजपेयी महाविद्यालय बिलग्राम में संचालित क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण किया और वहां ठहरे प्रवासी श्रमिकों का खाने, पेयजल, सोशल डिस्टेंसिंग आदि के बारे में उप जिलाधिकारी बिलग्राम कपिल देव से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रवासी श्रमिकों के आने पर सबसे पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाए और जांच उपरांत कमरे में नंबर के हिसाब से श्रमिकों को रखा जाए। जिलाधिकारी ने मां प्रेमा मैरिज लॉन में नगरपालिका परिषद बिलग्राम की ओर से संचालित सामुदायिक रसोई का निरीक्षण किया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।